हिंदुस्तान की बुलेट ट्रेन सुपर फास्ट वंदे भारत पहली बार झारखंड में, राज्यवासियों को अब रफ्तार का तोहफा। यह तोहफा है हवा से बात करने वाला। भारत की बुलेट ट्रेन अब झारखंड बिहार में कराएगी यात्रियों को सफर। पटना से रांची सिर्फ 6 घंटे में, आज पटना से यात्रियों को लेकर पहुंच गई वंदे भारत रांची। वंदे भारत को देखने उमड़ी रांची स्टेशन पर भीड़, जमकर लोगों ने लिया सेल्फी। आज झारखंड के लिए उस मायने में खास दिन रहा कि आज राज्य में पहली बार वंदे भारत ट्रेन पहुंची। ना सिर्फ पहुंची बल्कि यात्रियों को लेकर भी आई। रांची पहुंचने वाली वंदे भारत पटना से खुली, जहां से इसे 6 घंटे में सफर तय कर रांची पहुंचना था, पर एक बार फिर सुपर फास्ट ट्रेन ने फास्टनेस दिखाई और ट्रेन 5 घंटे 45 मिनट में ही रांची पहुंच गई। जिसके बाद क्या था, रांची रेलवे स्टेशन पर लोगों का तांता लग गया। ट्रेन को देखने दर्शक बनकर पहुंचे रांची के लोग, फिर जमकर सेल्फी ली गई। लोग बेहद उत्साहित दिखे। जैसा कि वंदे भारत ट्रेन की चर्चा बीते कुछ महीने से खूब अधिक हो रही है, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, वंदे भारत ने लाइमलाइट लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कभी स्पीड के लिए तो कभी जानवरों से टकराने की वजह से तो कभी ट्रोल होकर, लेकिन वंदे भारत ट्रेन चर्चा में रही है। एक तरह से कहें तो वंदे भारत हिंदुस्तान की बुलेट ट्रेन है। आज की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार पटना से रांची पहुंची। ये खास सफर और खास हो गया जब समय पर ध्यान गया। दरअसल ट्रेन अपने अनुमानित समय से पहले ही रांची पहुंच गई। ट्रेन को 6 घंटे में रांची पहुंचना था, पर वो 5 घंटे 45 मिनट में आ गई। बता दें, ट्रायल रन के लिए पटना से रांची के लिए रवाना हुई वंदे भारत ने सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। पटना जंक्शन से 6:55 में खुलकर ये ट्रेन 12:47 पर रांची पहुंची। हालांकि इसके पहुंचने का समय 1 बजे था। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो वंदे भारत ने 400 किलोमीटर 6 घंटे में पूरा किया। ये ट्रेन 110 किलोमीटर की रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। पटना से गया तक ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे रही। वहीं गया से बरकाकाना तक वंदे भारत 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। फिर बरकाकाना से रांची पहुंचने के दौरान ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पटना से रांची पहुंचने के बीच वंदे भारत की रूट क्या रही, ये भी जान लीजिए। वंदे भारत पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़काकाना, टाटी सिलवे होते हुए रांची पहुंची। रांची से ट्रेन आज ही वापस भी हो जाएगी। रांची से ट्रेन 2:20 पर खुल गई, जो कि 8:25 पर पटना पहुंच जाएगी। वंदे भारत पटना से रांची के बीच सप्ताह में 6 दिन चलेगी। हालांकि इसके उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं हुई है। देखिए रांची के लोगों का उत्साह जब ट्रेन रांची पहली बार पहुंची। और बिहार जाते हैं तो बहुत सौगात मिलने वाला है। थोड़ा व्हीसल बज गया भाई, प्लीज। कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही आरामदायक है। चेयर है, टेबल है, बहुत आरामदायक है, स्पेस है। तीन ट्रेनों से क्या फर्क है आपको? बहुत काफी अच्छा फर्क है। वर्ल्ड क्लास का ये कोच है। वर्ल्ड क्लास का कोच, अभी तक का भारत का नंबर 1 रेल के शान देश की वाहन है। कम्फर्टेबल है, बहुत ही आराम। देखिए चेयर, ये हम बंगाल से आए हैं। वंदे भारत ट्रेन देखने आए हैं हम बंगाल से। सिर्फ ट्रेन देखने? हाँ, ट्रेन देखने से आए हैं बंगाल से, वंदे भारत एक्सप्रेस। देख लिया ट्रेन? देख लिया। अंदर जाने को मिला? अंदर जाने के घुसा था बाबा, थोड़ा सा घुसा था। कैसा ट्रेन लगा? अच्छा लगा। बहुत ठंडा है, एसी लगा हुआ है। एसी लगा हुआ है? हाँ। जो ट्रेन में आए थे उसमें गर्मी था? गर्मी था। जो ट्रेन में आए थे वो गर्मी था, इसमें एसी लगा हुआ है, बहुत ठंडा है। अच्छा ट्रेन है। क्या कहिएगा? हाँ, क्या कहिएगा मोदी जी को? मोदी जी को और चाहना है से और मुख्य प्रधानमंत्री बनना हो 24 को, 2024 को। अच्छा, फिर से प्रधानमंत्री बने? हाँ, फिर प्रधानमंत्री बनो। अच्छा है। अच्छा, हम लोग का साधु सम्मान का इज्जत देता है मोदी जी। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ? बंगाल के? बंगाल का है, झालदा का। झालदा का? हाँ। तो आए थे किस चीज से? आए से हम लोग ट्रेन से। हाँ, इंटरसिटी से। इंटरसिटी? हाँ। ट्रायल होना था, किस तरीके से आप लोग चला के आए, कैसा रहा? अच्छा रहा। कितने घंटे में सफर था? 3-3.5 घंटा के अंदर यहाँ घुस गए, यहाँ कोडरमा से। हम लोग कोडरमा से पटना से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? अब पटना से कब खुली थी वो तो हमें टाइमिंग उसका मालूम नहीं है। यहाँ कोडरमा से? आप कोडरमा से? हाँ, हम लोग कोडरमा से। रास्ते में कहीं तकनीकी समस्या या इस तरह? नहीं, कोई तरह का समस्या नहीं है। अच्छा, सब चीज़ का फैसिलिटी है इसमें। आपका पूरा फुल्ली एसी है, विंडो बहुत बड़े बड़े हैं, आगे सब पूरा ब्रिज है, टनल सब पूरा दिखने को मिलता है, सब है। चेयर मूवेबल है अंदर।
वंदे भारत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसी का तो इंतजार था। अच्छा, वंदे भारत को ही देखने आए थे? हाँ देख लिए। हाँ देख लिए भैया। कैसा लगा और ट्रेन से? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, सब सुचारू ढंग से चलेगी। जब से अनाउंसमेंट हो जाए कब से डेट है सुचारू रूप से चलेगी। आप इसमें ट्रेन में आए थे? जी जी। क्या सीनियर टेक्नीशियन? सीनियर टेक्नीशियन पटना जंक्शन। बहुत अच्छा रहा ट्रायल। कितने घंटे में यहाँ पहुँचे आप लोग पटना से? यहाँ 5:30 घंटे में पहुँचे, 7 बजे खुली थी, 12:30 में यहाँ पहुँच गए। कोई तकनीकी ऐसे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, तकनीकी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम दूसरे? क्या नाम आपका? मेरा सुरेंद्र कुमार। ट्रेन में दूसरे ट्रेनों से क्या कुछ अलग है? बहुत अच्छा है, इसका आरामदायक है, इसमें जर्क का महसूस नहीं होता है और सुविधाएँ बहुत सा है इसमें अंदर में अपना। पूरी ट्रेन ऐसी है? जी फुली ऐसी है। और क्या कुछ अलग बताना चाहें? नहीं ठीक है, मोदी जी का अच्छा है ट्रेन जो चला रहे हैं इसमें। सुरक्षा के लिहाज से क्या है, क्योंकि सुरक्षा पर आजकल सवाल उठा रहे हैं? सुरक्षा के दृष्टि में ये गाड़ी फुली लॉक रहती है, ऑटोमेटिक डोर क्लोज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहीं भी रास्ते में आप गाड़ी खोल नहीं सकते हैं, गार्ड के पास ड्राइवर के पास गेट खोलने का ओपन है। चोरी छिनताई वाला जो भी मामला नहीं, कुछ नहीं होगा। जब एक बार गाड़ी लॉक हो जाएगी तो रुकेगी तभी खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी रास्ते में, नहीं बीच में कोई नहीं खोल सकता। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सुना आपने ये